स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन है। जैसे कि हमने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी, पॉलिटी में हमारे तीन टॉपिक पूरे हो चुके थे, एक तो संविधान सभा, एक संविधान की प्रस्तावना और एक आपातकालीन शक्तियां। इससे अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है और चुनाव आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित है। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था था। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में है आर्टिकल 324 में। चुनाव आयोग क्या होता है? चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा ये अपना रिजिग्नेशन यानी इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं। अनुच्छेद 324 कहता है भारत में एक निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। एक इसमें होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब है या तो उसकी आयु 6 वर्ष का उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो या उनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, जो दोनों में से पहले हो वो ही वैलिड है। अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, इसका मतलब या तो वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो या उनकी उम्र 62 वर्ष हो चुकी हो। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आता है निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है मतदाता सूची को तैयार करना। अर्थात मतदाता सूची जो तैयार करने का कार्य है वो निर्वाचन आयोग का है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी भारत के जो राजनीतिक दल हैं उन्हें सभी को जो चुनाव चिन्ह प्रदान करना है वो निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है निर्वाचन की तिथि तय करना। चौथा पॉइंट आता है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना। परिसीमन आयोग भारत में 4 बार बना है, 1962, 1963, 1973, 2002। इससे अगला पॉइंट आता हुआ है अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 कहता है किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका मतदान करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, आर्टिकल 325 में कहा गया है। देखिए मतदान करने का जो अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 कहता है वयस्क मतदाता। वयस्क मतदाता का मतलब है पहले जो भारतीय संविधान में मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष है। यह जो आयु करी गई है 18 वर्ष, यह भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। डिफेंस के बाद जो हमारा आता है वो आता है चुनाव आयोग से संबंधित समितियां। सबसे पहले जो समिति आती है वीएन ताराकुंडे समिति। वीएन ताराकुंडे समिति ने क्या, ये जो समिति बनी थी ये 1974 में बनी थी। वीएन ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यदि आपसे पूछता है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो हमारा आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। अगली समिति आती है दिनेश गोस्वामी समिति। यह समिति जो थी यह 1990 में बनी थी। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम से चुनाव कराने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है केरल। इसके बाद तीसरी और लास्ट समिति आती है इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति जो थी यह 1998 में बनी थी। यह भी चुनाव से संबंधित है। ये तीनों ही समितियां चुनाव से संबंधित है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति है वह है दिनेश गोस्वामी समिति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर किया गया।
इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग यह पूरा हो चुका है। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।